प्रभु प्रसाद चैनल में सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज चौचो का चटनी बनाएंगे। इसको कन्नड़ा में सीमे बदने का ही कहते हैं। चौचो की चटनी बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, चौचो ऐसा रहता है, इसका छिलका उतार के चौचो को कस के लिया है, 2-3 टमाटो काट के लिया है, लाल मिर्ची 4-5, 2 हरी मिर्ची, स्वाद अनुसार नमक, 2 स्पून उड़द का दाल, 2 स्पून धनिया, 2 स्पून चने का दाल, ऑयल, राई, हिंग, कड़ी पत्ता, अभी एक कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ, उड़द का दाल, चने का दाल, ये थोड़ा भून लेंगे। ये आधा भूनने के बाद धनिया डाल रही हूँ, लाल मिर्ची, ये थोड़ा रोज कलर भून लेंगे। अभी इसको एक प्लेट में निकाल देंगे, ये ठंडा करने रख देंगे। उसी कढ़ाई में जो कस के रखा था ना चौचौकाई, उसको डाल रही हूँ, ग्रीन मिर्ची, टमाटर, थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे। थाली बंद करके 5 मिनट इसको पकाएंगे। वो पकने तक जो भून के रखा था ना वो ठंडा हो गया है, उसको अभी मिक्सी में डाल रही हूँ। इसका नाइस पाउडर कर लेंगे। ये पक गया है, अभी इसको भी एक प्लेट में निकाल रही हूँ ठंडा होने के लिए। अभी एक कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ। तेल गर्म होने के बाद राई, उड़द का दाल डाल रही हूँ, कड़ी पत्ता, हिंग, ये देखिए पाउडर हो गया है। अभी इसी में ये ठंडा किया हुआ चौचो सब डाल रही हूँ। इसको नाइस पेस्ट कर लेंगे। देखिए बन गया है, चौचो का चटनी तैयार हो गया है। अभी इसको सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। चौंक करके रखा था ना उसको भी इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये चपाती के लिए, इडली, डोसा, चावल किसके साथ भी खा सकते हैं। आज प्लेट का इडली है, उसके साथ चटनी में दिखा रही हूँ। चौचो का चटनी रेडी।